वेलकम जी, मैं हूं मोहम्मद जाहिद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ट्रैवल एंड टेल। मैं इस वक्त पाकिस्तान से के सबसे जो फेमस टूरिस्ट स्पॉट है, जो हिल स्टेशन है नारान, वहां पे मौजूद हूं। और नारान जो है ना, ये खूबसूरत भी है, ठंडा भी है और बहुत ज़्यादा रश भी होता है यहाँ पे। रास्ता यहाँ का साफ है और महंगाई इस दफ़ा जो है ना, वो अगर आप वीकेंड पे ना आए, वीक डेज पे आएँ तो इतनी महंगाई नहीं है। बाकी ये है कि आए, एंजॉय करें और अच्छी जगह है रहने के लिए, आने के लिए, विजिट करने के लिए। वैसे भी बहुत फेमस है, रास्ता भी सारा ठीक है। कागान के बाद थोड़ा सा मसला है रास्ते में, उसके लिए मैंने वीडियो अलग से बनाई है रोड टूर की, वो आप देख सकते हैं। आए, आपको नारान की खूबसूरती दिखाता हूँ। नारान में एक तरफ तो दरियाए कुनहार है और दूसरी तरफ जीन सैफल रूप से आने वाला सैफल नाला, जो कि अपने सुरताल यहाँ पर बखेर रहा है। PTDC होटल से बाबूसर टॉप की तरफ नारान से निकलते ही दरियाए कुनहार बड़ी वसत में फैला हुआ है। यहाँ पे वादी थोड़ी खुली हो जाती है, दरिया को बहने के लिए ज़रा ज़्यादा जगह मिलती है, तो खामोश पुरसकून, बहुत स्मूथ बहता है दरिया यहाँ पे। और इसके किनारे बैठकर आपको बहुत अच्छा लगता है, आप बहुत इंजॉय करते हैं। एक तरफ आपके बाबूसर टॉप की बर्फ़ें होती हैं। नारान की एक और जो मारूफ एक्टिविटी है वो ये रिवर राफ्टिंग है, जो दरियाए कुनहार के अंदर रबड़ की कश्तियों में की जाती है। नारान से पहले, जैसा कि मैंने आपको बताया, दरिया बड़ा स्मूथ बह रहा होता है और इतना पुरखतर नहीं है। हालांकि कभी भी अंडर एस्टिमेट तो नहीं करना चाहिए इसको। बहरहाल, यहाँ पे दरिया के अंदर जो है वो रिवर राफ्टिंग होती है, रबड़ की कश्तियों में होती है और काफ़ी दिलचस्प नज़र आती है। ये एक एडवेंचर से भरपूर एक्टिविटी है और रिवर राफ्टिंग करने के लिए आपको बड़े दिल गुर्दे की ज़रूरत है। हर किसी के बस की बात नहीं है रिवर राफ्टिंग करना। यार, रिवर राफ्टिंग का प्रोग्राम है यहाँ पे कुनहार रिवर में, नारान में। देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। मुकम्मल जो सेफ्टी गैजेट्स हैं, जिसमें लाइफ जैकेट, हेलमेट वगैरह शामिल है, वो पहन के रबड़ की कश्ती में बैठा जाता है। और जो जितने भी लोग कश्ती में बैठे होते हैं, सबको एक एक और पकड़ा दिया जाता है, क्योंकि कश्ती को संभालना हर एक की बराबर की जिम्मेदारी है। जहाँ पर दरिया स्मूथ बह रहा है, वहाँ पे तो चप्पू चलाने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। शदीद सर्दी, लेकिन फुल इंजॉयमेंट है यार, मज़े का काम है। अच्छा, बाहर से देखने पे बज़ाहिर ये जितना ख़तरनाक नज़र आता है, जब आप खुद उस का हिस्सा होते हैं, पार्ट ऑफ द गेम होते हैं, तब आपको उतना डर नहीं लगता इसके अंदर। और आप काफ़ी इंजॉय करते हैं, बड़ा मज़ा आता है। और दरिया के अंदर हवा भी बड़ी तेज़ लगती है और ठंडी हवा लगती है। मैं तो बाकायदा सर्दी से कांपना शुरू हो गया था। सेम मेरे बेटे के साथ और बाकी जो पार्टिसिपेंट थे सबके साथ ऐसे ही हुआ था। कहाँ तक जाएंगे? अभी आधा भी नहीं हुआ। ये टोटल राइड लगभग 2 किलोमीटर की होती है और इसमें दरमियान में आके कुछ ऐसे स्मूथ पैचेस भी आते हैं, जहाँ पे आपको तस्वीरें बनाने का पूरा मौका मिलता है। अच्छा, आप अच्छी फोटोग्राफी अपनी कर सकते हैं। और कुछ बहुत ख़तरनाक पैचेस भी आते हैं। बाज़ जगहों पे दरिया का जो बहाव है, वो कश्ती को इस तरह से मोड़ के लेके जाता है कि साइडों पे पत्थरों में भी टकराती है, और हम बड़ी बुरी तरह से टकराए और बहुत ज़्यादा घबराए। लेकिन लहरों पे काबू पाने का, लहरों पे फिरने का भी अपना ही एक स्वाद है, अपना ही एक नशा है। जब लहरों के जोर पे आपकी कश्ती डोलती है तो कमाल का नज़ारा होता है। आप अंदर से घबरा भी रहे होते हैं, परेशान भी होते हैं, थोड़े से इंजॉय भी कर रहे होते हैं, घबरा भी रहे होते हैं, और ख़ास तौर पे जब आपके बच्चे भी आपके साथ बैठे हों तो ज़रा खौफ और लुत्फ दोनों ही बढ़ जाते हैं। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक टिप दे दूँ, अगर आप रिवर राफ्टिंग के लिए आते हैं तो अपने साथ
कपड़ों का और जो सॉक्स हैं और शूज़ हैं उनका, शूज़ तो खैर ये उतारने होते हैं, इसमें पहन के नहीं बैठते, तो सॉक्स का और कपड़ों का एक स्पेयर जोड़ा ज़रूर लेके आएँ, क्योंकि अक्सर पानी के स्प्लैशेस की वजह से आप फुल भीग जाते हैं। अच्छा यार, बीच मंझधार में, बीच दरिया में जो है ना वो राफ्टिंग करते हुए आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को भी लाइक और शेयर कर दें, थैंक यू, सपोर्ट करें यार प्लीज। यार ये थोड़ा ख़तरनाक है रिवर राफ्टिंग, लेकिन बड़ा भरपूर एडवेंचर है। मेरी तो आप लोगों को ये सजेशन होगी कि हिम्मत करें थोड़ा सा, आप जो है ना रिवर राफ्टिंग करें, आपके लिए ये लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होगा, बहुत एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। हाँ जी, राफ्टिंग हो गई है कंप्लीट, अभी अगले पॉइंट से उनके बेस पॉइंट पे वापस जा रहे हैं, क्योंकि गाड़ियाँ उधर पार्क की हुई हैं। चलें जी, आज की वीडियो का इख्तिताम करीब आ रहा है, आखिर में आप लोगों के लिए आसानियों की दुआ, अल्लाह पाक आपको आसानियां दे और आसानियां आगे तकसीम करने का हौसला दे। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।